मुंबई के परेल इलाके में दरअसल एक भीषण आग लगने की खबर आ रही है। आग माली सदन के आसपास के इलाके में लगी है। भीषण आग को देखते हुए फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, जो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। देर रात का समय है, बताया जा रहा है कि आग एक पुरानी मिल में लगी है। केमिकल में आग लगने से आसपास के इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल जिस स्थान पर यह आग लगी उसके आसपास बड़ी तादाद में लोगों के घर है, वहां पर यह आग लगी। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। आग लगने से अफरा तफरी और वहां पर प्रदूषण की भी समस्या है। लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। मिल थी, मिल में केमिकल का काम होता था। केमिकल और आग का कॉम्बिनेशन कितना जहरीला हो सकता है आपको पता है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 15 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने के प्रयास यहां पर जारी हैं। केमिकल में आग लगने से आसपास के इलाकों के लोग पूरी बदहवास हालत में हैं। इलाके पर खतरा मंडरा रहा है। जिस जगह आग लगी उसके आसपास बड़ी तादाद में लोगों के घर तक मौजूद है और आग ने कितना विकराल रूप ले लिया है वो अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। ये पूरी तस्वीर हमारे दर्शकों को भेजी है कविता, हमारे रिपोर्टर ने, मुंबई के परेल इलाके में भीषण आग जो लग गई है। कविता, क्या जानकारी आप देंगी? आग का गुबार है तो लोगों को भी दिक्कतें आ रही होंगी। आग लगी कैसे, क्या ये काबू पा ली गई है, इस पर जानकारी पूरी दीजिए। जी निहारिका, देखिए मुंबई का परेल इलाका है जहां पर ये आग लगी है और काफी भीषण आग है और इसीलिए 8 फायर इंजन मौके पर पहुंचे हैं। इसके साथ 6 वाटर टैंकर भी वहां पर है। हालांकि ये आग किसी बिल्डिंग, इमारत या फिर मिल में नहीं लगी है, ये खुला हुआ इलाका है और ऐसा बताया जा रहा है कि काफी पुराने सामान थे जिसमें आग लगी है और इसीलिए वो आसपास रिहायशी इलाका है और जो आग है वो लगातार बढ़ती जा रही है, अभी तक काबू नहीं पाया गया है। लेकिन इस जिस तरीके के सामान में आग लगी है, हो सकता है इसमें कई सारे हानिकारक सामान हो, केमिकल्स हो जो लगातार जल भी रहे हैं, इसीलिए आग को काबू पाने में काफी वक्त लग रहा है। लेकिन गनीमत इसी बात की है कि किसी रिहायशी इमारत में आग नहीं है, लेकिन आसपास के इलाके को खाली कराया गया है। वहां पर जो दमकल विभाग है वो पूरी कोशिश में लगा है कि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। निहारिका, धन्यवाद अपडेट देने के लिए। इलाक पर अभी भी काबू नहीं पाया गया है तो आप समझिए कि स्थिति कितनी बदतर वहां पर हो गई। लपटों का तांडव, आग और केमिकल, जबरदस्त प्रदूषण वहां पर है। आग का गुबार, लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही। लोगों को आसपास के जो इलाके में लोग रह रहे थे उनको बाहर हटा दिया गया, इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। मुंबई की तस्वीर, परेल इलाके की तस्वीर।